सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल टेक राज में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ व्हाट्सएप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको व्हाट्सएप चलाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, अगर आप काफ़ी ज़्यादा व्हाट्सएप यूज करते हो, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सा व्हाट्सएप बेटर रहेगा। दोस्तों, व्हाट्सएप दो तरीके के यूज हो रहे हैं फिलहाल। एक है दोस्तों व्हाट्सएप, जो आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगा, और दूसरा है दोस्तों FM व्हाट्सएप, जो आपको प्ले स्टोर पर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर दिए गए हैं, जिनको अगर आप यूज करोगे तो आप अपने पुराने व्हाट्सएप को बिल्कुल भूल जाओगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बताऊंगा कि इन दोनों व्हाट्सएप में क्या डिफरेंस है और इन दोनों में हमें क्या क्या देखने को मिलता है और आपके लिए कौन सा व्हाट्सएप बेटर रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको व्हाट्सएप के बारे में बताता हूँ कि आपके लिए कौन सा व्हाट्सएप बेटर रहेगा और इन दोनों व्हाट्सएप में क्या क्या डिफरेंस है। दोस्तों, मैं आपको दोनों व्हाट्सएप के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा व्हाट्सएप यूज़ करना चाहिए, कौन सा व्हाट्सएप आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि दोस्तों, दोनों ही व्हाट्सएप में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है और दोनों ही व्हाट्सएप दोस्तों हमें फ्री में डाउनलोड करने को मिल जाते हैं, तो इसमें कोई भी हमारा खर्चा नहीं है कि हमें कोई व्हाट्सएप पैसों से डाउनलोड करना पड़े। दोनों ही व्हाट्सएप आपको फ्री में डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूँ व्हाट्सएप की। जो आपका नॉर्मल व्हाट्सएप होता है, जो आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाता है, मैं सबसे पहले आपको उसके बारे में बताऊंगा। वैसे तो आपको पता होगा कि इस व्हाट्सएप में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, क्योंकि ये वाला जो व्हाट्सएप है आजकल सभी यूज कर रहे हैं, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये इसका इंटरफेस है, जिसमें आपको सबसे ऊपर देखिए तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। एक चैट का, जिसके अंदर आपके मैसेज डले हुए होते हैं, आपसे आपने किन किन लोगों से बातें की है उनके मैसेज यहाँ पर डले हुए होते हैं। उसके बराबर से दोस्तों स्टेटस का ऑप्शन होता है, यहाँ पर लोग अपने स्टेटस लगाते हैं या फिर आप अपना लगाते हो। और तीसरा होता है दोस्तों कॉल का, जो जब आप व्हाट्सएप पर किसी से कॉल पर बात कर रही हो। तो दोस्तों, ये होता है हमारा नॉर्मल व्हाट्सएप, जिसमें हमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा FM व्हाट्सएप के बारे में कि उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों देखिए, ये है हमारा FM व्हाट्सएप, जिसके अंदर आपको ऊपर ही दिख रहे होंगे काफ़ी सारे ऑप्शन। सबसे पहला जो ऑप्शन है दोस्तों, ये देखिए, इसमें आपको एयरप्लेन मोड मिल जाएगा। इससे दोस्तों क्या फ़ायदा है कि अगर आप इसे ऑन कर दोगे तो आपके व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज नहीं आ पाएगा जब तक आप इसे ऑफ नहीं कर देते। तो इससे दोस्तों ये फ़ायदा है कि जो भी आपके मैसेज भेजेगा व्हाट्सएप पर, उसका मैसेज आपके पास बिल्कुल भी शो नहीं होगा, यानी कि उसे पता नहीं लगेगा कि उसका मैसेज आपके पास आया है या नहीं आया है, क्योंकि आपका ये व्हाट्सएप जो है यहाँ से एयरप्लेन मोड पर लगा हुआ है। जब तक आप इसे ऑफ नहीं कर देते तब तक उसका मैसेज आपके फ़ोन में नहीं आएगा, तो उसे यही लगेगा कि आपका मोबाइल डाटा बंद है, जबकि आपका मोबाइल डाटा ऑन रहेगा, उसके बावजूद भी उसका मैसेज आपके फ़ोन में नहीं आ पाएगा। दोस्तों, ये अच्छा फीचर है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ऐसी जगह बैठे हुए होते हैं जहां हमें व्हाट्सएप के मैसेज बिल्कुल नहीं चाहिए होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे व्हाट्सएप पर कोई मैसेज ना आए। दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ये वाला बराबर से, इससे दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप की स्क्रीन को चेंज कर सकते हो। जैसे कि अभी इसमें लाइट है, आप इसे डार्क कर सकते हो, यानी कि इसे ब्लैक कर सकते हो। जैसे अभी ये वाइट है तो आप इसे ब्लैक कर सकते हो इस तरीके से। अब दोस्तों देखिए, हमारे पुराने व्हाट्सएप में तीन ऑप्शन आ रहे थे, एक चैट का, दूसरा स्टेटस का और तीसरा कॉल का, लेकिन दोस्तों यहाँ पे चार ऑप्शन आ रहे हैं, एक चैट का, दूसरा ग्रुप का, तीसरा स्टेटस का और चौथा कॉल का। यानी कि अगर आपके फ़ोन जितने भी ग्रुप हैं वो सारे इस फोल्डर में यहाँ पे आ जाएंगे ग्रुप वाले में। तो इससे आप ये पता ला सकते हो कि आपके फ़ोन में आपके नंबर पर कितने ग्रुप बने हुए हैं। इस FM व्हाट्सएप में दोस्तों यही फ़ायदा है कि आप जब देख सकते हो कि इस टाइम पर कौन कौन बंदा ऑफलाइन है और कौन ऑनलाइन है, यानी कि आप किसी के मेनू में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऊपर से ही देख सकते हो कि कौन कितने बजे ऑनलाइन आया था और अभी कौन कौन ऑनलाइन है, यानी कि आप ऊपर से ही किसी की भी डिटेल निकाल सकते हो, आपको उसके मेनू में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, इस FM व्हाट्सएप में काफ़ी सारे नए नए फीचर दिए गए हैं, जिनके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है पहले ही, तो अगर आपको उन वीडियो को देखना है तो दोस्तों आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो FM व्हाट्सएप पर काफ़ी वीडियो बनाई है मैंने, जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगी। तो दोस्तों, इन दोनों व्हाट्सएप के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आप व्हाट्सएप का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हो तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप एक बार FM व्हाट्सएप डाउनलोड करके देखो और उसे यूज करके देखो। अगर आपने एक बार FM व्हाट्सएप डाउनलोड कर लिया तो आप अपने पुराने व्हाट्सएप को भूल जाओगे, क्योंकि इस व्हाट्सएप में इतने सारे फीचर दिए गए हैं कि उनका यूज करते करते आप अपने पुराने व्हाट्सएप को बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे।
आपको इस व्हाट्सअप का डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि ये व्हाट्सअप आपको प्ले स्टोर पर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर सकते हो और इसका पूरा मज़ा ले सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि आपके लिए इस टाइम कौन सा व्हाट्सअप बेटर रहेगा, FM व्हाट्सअप या सिंपल व्हाट्सअप। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।